हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विदुर। तो दोस्तों, आज मेरा चिकमंगलूर में दूसरा दिन है। तो चिकमंगलूर के फर्स्ट डे को मैंने कौन कौन से प्लेसेस विजिट किए हैं और वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है। वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखना। तो इस वीडियो में आपको चिकमंगलूर की थोड़ी दूर की प्लेसेस दिखाऊंगा, जैसे कि हेबे फॉल्स है या केमनगुडी व्यू पॉइंट, और सब दिखाऊंगा। और मैं अभी खड़ा होकर यहाँ पे ब्लॉग कर रहा हूँ। ये रोड कितना सीनिक है, सब लंबे लंबे पेड़ दिख रहे हैं यहाँ पे और रास्ता इसके बीच में से जाता है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और सुबह के मैं 7 बजे निकला हूँ, तो ठंडी भी लग रही है। ज़्यादा ठंडी नहीं है, बट नॉर्मल ठंडी है। ठीक है, तो चलो फिर चलते हैं और चिकमंगलूर को एक्सप्लोर करते हैं। कलाथीगिरी फॉल्स की तरफ मैं जा ही रहा था, तो रास्ते में यहाँ पे एक व्यू अच्छा दिख रहा है। कोई व्यू पॉइंट तो नहीं है, बट अच्छा व्यू दिख रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा रुक जाऊँ, थोड़े फ़ोटोज़ खींच लूँ और आपको भी ये व्यू दिखा दूँ। वैसे रास्ता जो है ना, पूरा जंगल का रास्ता है और पूरा एकदम सीनिक रोड है। सब जगह यहाँ पर हरियाली दिख रही है, काफ़ी मज़ा आ रहा है ड्राइव करने के लिए। और रोड भी काफ़ी अच्छा है, रोड की कंडीशन बहुत अच्छी है। अब हम पहुंच चुके हैं कलाथीगिरी वाटरफॉल्स। तो जो वाटरफॉल है ना, उधर मंदिर ही है, मतलब मंदिर की इधर ही वाटरफॉल है। तो उसके लिए आपको आपका जो भी शूज और सैंडल है यहाँ पे निकालना है, और यहाँ से इसका एंट्री है, यहाँ से आपको अंदर जाना है। ठीक है, ऐसे सीढ़ियाँ बनी है, सामने वाटरफॉल है। तो चलो फिर चलते हैं और देखते हैं कैसा है वाटरफॉल। तो हम पहुँच गए हैं कलाथीगिरी वाटरफॉल। ये जैसा कि आप देख सकते हो, तो यहाँ से फॉल्स है, यहाँ से फॉल्स है, और यहाँ पे मंदिर है, और यहाँ पे मंदिर है। और आप यहाँ पे चल के फॉल के साथ जा सकते हो, जिसके लिए आपको शूज़ निकालना कंपलसरी है, क्योंकि यहाँ पे मंदिर है। ठीक है, और ये पानी यहाँ से नीचे गिर रहा है। तो दोस्तों, अभी मैं जा रहा हूँ वाटरफॉल के अंदर। वो पानी बहुत ठंडा है, वाओ। चलो हम जाके भगवान जी के दर्शन करते हैं। चिकमंगलूर को लैंड ऑफ कॉफ़ी भी कहा जाता है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे आपको सब जगह, जैसे मुन्नार में आपको टी के प्लांट दिखते हैं, यहाँ पे वैसे कॉफ़ी के दिखेंगे। तो मेरे ऊपर साइड भी है और नीचे साइड भी। ऊपर का तो नहीं दिखा सकता, तो नीचे का मैं आपको दिखा देता हूँ कि कॉफ़ी के प्लांट्स दिखते कैसे हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, ये है कॉफ़ी के प्लांट्स, और वहाँ पर नीचे कुछ वर्कर्स है जो काम कर रहे हैं। अभी मैं आपको जो प्लेस दिखा रहा हूँ वो है केमनगुडी व्यू पॉइंट, और मेरे पीछे यहाँ पे एक गेट है। ये जो गेट है, अगर आपको जेट पॉइंट करके यहाँ पे ट्रैक है वो करना रहेगा तो वो भी आप कर सकते हो। यहाँ से कुछ 1 या 1.5 घंटे लगते हैं। केमनगुडी व्यू पॉइंट है वही यहाँ पे, यहाँ पे बैठ के आप व्यू देख सकते हो, वो मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ का जो टिकट है वो 35 रुपीज़ है। तो अब मैं जो आपको प्लेस दिखा रहा हूँ वो है राजभवन, जो मैंने आपको अभी व्यू पॉइंट दिखाया उससे 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पड़ता है। पीछे मैंने अपनी स्कूटी पार्क कर दी है और अभी जा रहा हूँ मैं अंदर, और इसका शायद से एंट्री फी है नहीं, कोई दिख नहीं रहा है यहाँ पे। चलो देख लेते हैं प्लेस कैसा है। मेरे पीछे आप जो स्टैचू देख रहे हो, ये स्टैचू है मैसूर के जो राजा थे, और ये जो हिल स्टेशन जो आपको दिख रहा है उसके उनके फाउंडर है। इनका नाम है राजश्री ननवाड़ी कृष्ण राजा पदियार, तो उनकी याद में बनाया गया है। ये राजभवन काफ़ी बड़ा है और काफ़ी खूबसूरत है, तो अगर आप यहाँ पे आते हो तो इस प्लेस को भी विजिट करो। जो मैं प्लेस आपको दिखा रहा हूँ आज,
कलात्रिगिरी वाटरफॉल्स, पीरो व्यू पॉइंट, फिर ये भवन, उसके बाद पीरो हेवे फॉल्स, ये सब एक ही जगह पे पड़ता है जो कि है भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये सब प्लेसेस आप मिस मत करना यहाँ पे आ रहे हो तो, काफ़ी अच्छा लगेगा। और ये काफ़ी क्वाइट प्लेस है, मतलब शांत है एकदम। इसके चारों तरफ आपको सिर्फ माउंटेन दिखेंगे और उसके बीच में मतलब क्वाइट प्लेस है एकदम शांति। जिसको पसंद है उसके लिए ये प्लेस अच्छा है। राजभवन के अंदर ही यहाँ पे एक व्यू पॉइंट है जो कि सनसेट व्यू पॉइंट है। चारों तरफ माउंटेन ही माउंटेन, तो ये सनसेट पॉइंट है, तो सनसेट के टाइम आपको अच्छा लगेगा यहाँ पे। बट कोई बात नहीं, अभी भी अच्छा व्यू दिख रहा है। और आपको अभी दिखाओ तो सूर्य भगवान जी नहीं दिख रहे हैं, सब जगह क्लाउड्स है, ऐसा लग रहा है बारिश हो सकती है, बट ना हो तो ठीक है। तो दोस्तों अब मैं आपको यहाँ की वन ऑफ द फेमस प्लेस दिखाने वाला हूँ जो कि है हेवे वाटरफॉल्स। उसके लिए कुछ यहाँ पे रूल्स है, यानी कि आपको ये जो आप पीछे दिख रहा है ये चेक पोस्ट है, इसके अंदर जंगल के अंदर है वाटरफॉल्स, तो आप वहाँ पे चल के या खुद की गाड़ी से नहीं जा सकते हो, आपको जीप हायर करना पड़ेगा, जो कि जीप का चार्जेस है 4,000 रुपीज़, मैक्सिमम 8%, यानी कि पर पर्सन 500 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। और कोई ऑप्शन नहीं है। और यहाँ पे काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं, जीप आएगी तो आपको शेयरिंग का प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसा मत सोचना कि आप अकेले हो तो आपको अकेले 4,000 पे करना पड़ेगा, तो कुछ नहीं, आपको लोग मिल जाएंगे। टूरिस्ट लोग यहाँ पे बहुत आते हैं क्योंकि ये बहुत फेमस प्लेस है। यहाँ के वाटरफॉल काफ़ी महंगे पड़ रहे हैं, 500 रुपीज़ से वाटरफॉल देखने के लिए। कोई बात नहीं, आए तो देख लेते हैं। हाँ दोस्तों, तो फाइनली हमारी जीप आ चुकी है। ऑलमोस्ट 1 घंटा वेट करना पड़ा और ऑलमोस्ट यहाँ से 12 किलोमीटर वन साइड है, तो देखते हैं अभी। तो दोस्तों हमारी जो जीप सफारी थी काफ़ी एडवेंचरस थी, वो ख़त्म हो गई है। और ये जीप का पार्किंग पॉइंट है, यहाँ से हमको वाटरफॉल के लिए ऑलमोस्ट 1/2 किलोमीटर चल के जाने का है। और जो टाइमिंग है मैक्स 1.5 आवर है, उससे ज़्यादा ये जीप रुकेगी नहीं यहाँ पे, तो फटाफट करके आ जाएंगे हम लोग। पहुंच गए हेवे वाटरफॉल। देखिए कितना बड़ा वाटरफॉल है, जो हमने 500 रुपीज़ पे किया है, आई थिंक तो ये वर्थ है, क्योंकि रास्ता भी पूरा ख़राब है और 12 किलोमीटर को ट्रेक करके आना भी नहीं चाहेगा। और ये पूरा जंगल के एकदम अंदर है, तो सही है, इतना पानी है। मतलब जनवरी में, आज है 6-7 जनवरी आज, तो भी इतना ज़्यादा पानी है, सोचो सही है मानसून में कितना होगा। यहाँ पर आप ज़रूर आए जब भी आप चिकमंगलूर में आते हो। कल के पंटर लोग आज मिल गए हैं यहाँ पे, फुल मजा आ रहा है, थोड़े लेट हो गए। ये भाई लोग ने तो फुल 2 घंटा एंजॉय किया, 3 घंटा एंजॉय किया है, वो प्लेस है एंजॉय करने का, 4 से 5 शाम देखे। और एक भाई कुछ बोलना चाहते मतलब ये वाटरफॉल आप जरूर आओ जब भी आप आते हो, जरूर आना है, जरूर आना है, करना है वाटरफॉल। 500 रुपए के बारे में नहीं सोचने का है, व्यू के बारे में सोचने का, एंजॉय करना। एक्सपीरियंस तो जबरदस्त मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा एक्सपीरियंस। तो दोस्तों अब मैं पहुंच चुका हूं हिरको लेले लेक, और ये उसका पार्किंग एरिया है। पार्किंग का कुछ चार्ज नहीं है, एंट्री फी भी कुछ नहीं है। यहाँ पे मुझे ये अच्छा लग रहा है कि नो एंट्री फी नो पार्किंग चार्ज, वरना मेघालय में तो इतना ज़्यादा पार्किंग और एंट्री फी के चार्ज दे रहे कि मेरा पूरा पैसा उसमें जा रहा था। ठीक है,
और ये प्लेस आप चाहे कभी भी विजिट कर सकते हो फर्स्ट डे या सेकेंड डे, क्योंकि ये जो चिकमंगलूर है वहाँ से सिर्फ 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। ठीक है, अभी देखते हैं कैसा है ये लेक। तो दोस्तों, इस लेक को विजिट करने का जो सबसे बेस्ट टाइम जो हो सकता है वो है शाम का टाइम, यानी सनसेट का टाइम। और मैं यहाँ पे 5 बजे आया हूँ, तो ये विंटर का टाइम है तो सनसेट 6 बजे हो जाता है। और नज़ारा काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है यहाँ से, चारों तरफ आपको यहाँ पे सराउंडिंग माउंटेन्स दिख रहे हैं, सामने का व्यू काफ़ी अच्छा है, मस्त है, मस्त प्लेस है, यहाँ पे आप ज़रूर आना। और वहाँ पे बीच में बना है जहाँ पे हम जा सकते हैं, अभी वहीं पे चलते हैं हम। तो लेक के बगल में ही यहाँ पे शंकर भगवान जी का मंदिर है, तो अगर आप जब लेक आते हो तो शंकर भगवान जी के दर्शन जरूर करना। अब बात करते हैं चिकमंगलूर के टूर प्लान की। तो इतनी सारे प्लेसेस जो आप देख रहे हो, ये मैंने डे 1 को विजिट की थी, ठीक है, उसके बाद ये जो प्लेसेस आप देख रहे हो वो मैंने डे 2 को विजिट की थी। हिरकोलेले लेक है ना, वो आप चाहे फर्स्ट डे या सेकंड डे में विजिट कर सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास एक दिन और एक्स्ट्रा है तो यहाँ पे ट्रेकिंग होती है जो कि है जेट पॉइंट ट्रेकिंग, तो आप वो भी कर सकते हो। उसके लिए आपको 1-1.5 घंटे लगते हैं ट्रेकिंग करने के लिए, और वहाँ तक जाने के लिए भी काफ़ी समय लगता है, नहीं तो आप 2 दिन में चिकमंगलूर पूरा आराम से घूम सकते हो। तो आप बात करते हैं यहाँ के बजट की, तो बजट जो आपका आ सकता है यहाँ पर 2 दिन का, अगर आपका रहने का होटल का, तो पर पर्सन 500 रुपीज़ आएगा, 2 दिन का 1000, और स्कूटी का 500 है तो 2 दिन का 1000, यानी कि 2000। अगर आप कार से भी घूमोगे तो, अगर आप 4-5 लोग हो तो कार से घूमो, उसका आपको 600-700 पर पर्सन पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप एक हो या दो हो तो स्कूटी बेस्ट है, ठीक है। और आपका जो फूड का आ सकता है वो 3000, और बाकी जो यहाँ पे हेबे फॉल्स और वो जो क्या बोलते हैं झरी फॉल्स, उसका चार्जेस आपका 300-350, उसका चार्जेस आपका 600-700 पड़ेगा, तो कुल मिला के 3600 होता है, और पेट्रोल का 400 रुपये, मतलब कि 3.5 से 4000 में आप यहाँ पे घूम लोगे आराम से चिकमंगलूर। तो काफ़ी अच्छी प्लेस है, काफ़ी सस्ती प्लेस भी है, जो लोग बैंगलोर में या मैंगलोर में रहते हैं उनके लिए तो ये वीकेंड ट्रिप है, वो लोग यहाँ पे आते हैं 2 दिन अपना व्यतीत करते हैं, चले जाते हैं वापस। तो चलो फिर इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। ये चिकमंगलूर का आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, अगर आप मेरे चैनल पर हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आए, ठीक है। तो चलो अभी मैं चलता हूँ, जल्द मिलूँगा आपको नए लोकेशन के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप ट्रैवलिंग, कीप एक्सप्लोरिंग, बाय फ्रॉम चिकमंगलूर।